In today's class, we will cover the measurement of pH. Before we move on to the different techniques जो अपने syllabus में है, जो हमारे syllabus में है, conductimetry and electrometry. First, we will study what are pH indicators. You all might have seen pH indicator in your lab. You all might have used it in your lab. A small strip of पीएच पेपर जिसको आप बोल देते हो, पीएच स्ट्रिप बोल देते हो, है ना, आप सबने यूज की होगी अपनी अपनी लैब में कभी ना कभी, है ना. उसमें हम क्या करते हैं, हम वो स्ट्रिप लेते हैं, उस पे विद आर ग्लास रॉड, वॉश्ड ग्लास रॉड, हम थोड़ा सा सैंपल उसमें उसको टच करवाते हैं उस स्ट्रिप के साथ. देन व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर द कलर ऑफ दैट स्ट्रिप विद द इंडिकेटर जो हमें साथ में दिया होता है. दैट इंडिकेटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. बट जर्नली हमें लैब में क्या मिलता है, एक स्ट्रिप साथ में मिलती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपके गिवन होते हैं. ठीक है, यू कैन ईजिली हैव अ वेरी वेग आइडिया by simply checking that check color कि आपका जो test solution है उसकी approximate pH क्या है. ठीक है, उसको आपके जो paper है, जो strip है, उसका जो color है, उसको आप compare करते हो with the reference colors जो आपकी strip के साथ given होते हैं. ठीक है बच्चे, इनिशियली अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमें नहीं पता हमारा गिवन सैंपल का क्या पीएच है, हम क्या करते हैं, हम ब्रॉडर रेंज वाला पीएच पेपर, इफ़ यू हैव सीन इट वेरी माइन्यूटली, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की पीएच स्ट्रिप्स होती है, ब्रॉडर रेंज की भी मिल जाएंगी, नैरो रेंज की भी मिल जाएंगी. जब भी लैब में आपने पीएच उस स्ट्रिप से यूज करनी है, फर्स्ट इट इज अ वेरी, इट गिव्स यू अ वेरी वेग आइडिया, है ना, उस पे आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, बट आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू उससे पता चल जाती है. आप जब स्टार्ट करते हो उस स्ट्रिप को यूज करना टू मेजर द पीएच, आप क्या करते हो, इनिशियली आपको नहीं पता कि आपकी सॉल्यूशन एसिडिक रेंज में लाई करता है कि बेसिक रेंज में, तो आप सबसे ब्रॉडर रेंज वाली पीएच स्ट्रिप उठाओगे. ठीक है, उससे आप कलर नोट करोगे, कलर आपको अप्रॉक्सीमेट रेंज बता देगा कि इस रेंज में आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक. देन यू विल नैरो डाउन योर रेंज डिपेंडिंग अपॉन आपके फर्स्ट स्ट्रिप के क्या रिजल्ट्स थे. आप नेक्स्ट पेपर उठाओगे, पीएच स्ट्रिप उठाओगे जिसकी रेंज नैरो होगी. ऐसे करते करते जो लास्ट पीएच स्ट्रिप आपके पास अवेलेबल होगी, दैट विल हैव द नैरोएस्ट रेंज जो पॉसिबल है इस मेथड से और इस स्ट्रिप से. ठीक है, उससे आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाएगा. इन दिस वे वी बेसिकली चेक और वी बेसिकली हैव सम अप्रॉक्सीमेशन ऑफ आर सॉल्यूशन कि उनकी क्या पीएच है. ठीक है, सेम उन स्ट्रिप्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको पीएच इंडिकेटर्स कहते हैं, है ना. इट इज अ टाइप ऑफ पीएच इंडिकेटर. और माइन्यूटली बताऊं तो पीएच मेजरमेंट के कलरीमेट्रिक मेथड में वो हमारी स्ट्रिप्स आती हैं. स्ट्रिप पे आपको कोई ना कोई कलर चेंज मिल रही है, हाँ ना. कलर चेंज का मतलब जैसे ही आपकी जो वो पेपर है उस पे आपने कोई इंडिकेटर लगाया हुआ है, जैसे ही उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिडिक और बेसिक रेंज का सोल्यूशन उसके कंटैक्ट में आता है, वो इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो करता है. ठीक है, अगर हम बहुत ही लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहें और विदाउट नोइंग कि क्या उसके पीछे साइंस है आपकी, आप इससे इतना तो इन्फर कर सकते हो कि उस स्ट्रिप पे कोई ना कोई इंडिकेटर होगा और जैसे ही वो सॉल्यूशन टेस्ट सॉल्यूशन के कंटैक्ट में आता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ दैट टेस्ट सॉल्यूशन, दैट इंडिकेटर विल शो सम कलर चेंज. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीएच इंडिकेटर्स क्या चीज़ है. पीएच इंडिकेटर्स को अगर हम डिफाइन करें, दीज आर द सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू द टेस्ट सॉल्यूशन, जब इनको हम टेस्ट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, दे प्रोड्यूस अ कलर चेंज. ये कोई ना कोई कलर चेंज प्रोड्यूस करते हैं, विच हेल्प इन डिटर्मिनिंग द पीएच ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन. वो हमें हेल्प करता है टू डिटर्मिन द पीएच ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन. पीएच इंडिकेटर्स जो हमारे होते हैं बच्चे, दे मे बी अ वीक एसिड और अ वीक बेस. वो या वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा,
है ना, वीक एसिड और वीक बेस कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता एंड इट्स आयनाइजेशन इज डिपेंडेंट कि क्या पीएच आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द पीएच उसकी आयनाइजेशन वेरी करेगी एंड डिपेंडिंग अपॉन कितनी आयनाइजेशन वेरी कर रही है ना, कितनी अमाउंट अनआयनाइज है, कितनी अमाउंट आयनाइज है, इट्स कलर विल चेंज. तो जैसे ही आप पीएच चेंज करोगे उसकी आयनाइजेशन चेंज होगी. अब अनआयनाइज्ड का अलग कलर था, आयोनाइज्ड का अलग कलर है, देन इट विल शो डिफरेंट कलर इन योर टेस्ट सोल्यूशन. ठीक है, आपके टेस्ट सोल्यूशन की क्या पीएच है उस अकॉर्डिंगली उसका कलर चेंज होगा. इसमें एक सिंपल एग्जाम्पल जो हम कॉमनली यूज करते हैं फिनोफ्थेलिन की, इट इज गिवन अलॉन्ग विद इट्स केमिकल फॉर्मूला. फिनोफ्थेलिन इज कलरलेस when it is present in the unionized form, जब वो unionized form में present होता है. आप उसको ऐसी pH provide करोगे जहाँ वो ionized हो जाएगा, it will change its colors to pink. ठीक है, तो phenolphthalein can work from colorless to pink and from pink to colorless depending upon आप कैसी pH उसको provide कर रहे हो. Basic reason here to give this example is just look over here कि ये unionized form में इस तरह से present होता है, ionized form में इस तरह से present होता है. Simply by changing the ionization or degree of ionization आप उसके color को change कर सकते हो. Same property को आप exploit कर सकते हो to act as a pH indicator. एक drop डाल दो अपने test solution में, उसकी pH change होगी test solution की और वो फिनोफ्थेलिन अपना कलर चेंज शो करेगा. दिस थिंग वी यूज इन आर टाइट्रेशंस टू, दिस थिंग वी यूज इन आर पीएच इंडिकेटर्स टू. ठीक है बच्चे, सो मूविंग अहेड एक टर्म आ जाती है बच्चे, यूनिवर्सल इंडिकेटर. जो आपकी ये फिनोफ्थेलिन की एग्जांपल दी या इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट और इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर्स एक स्पेसिफिक रेंज में वर्क करते हैं. अगर मैं ब्रॉडली बताऊं तो हमें पीकेए के बारे में पता है, है ना. पीकेए को अगर हम डिफाइन करें, पीकेए इज दैट पीएच एट विच योर अनआयनाइज्ड एंड आयनाइज्ड कंपोनेंट्स आर इक्वल, उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है. तो एक इंडिकेटर की क्या पीकेए है उसके प्लस माइनस 1.5 रेंज में वो इंडिकेटर वर्क करता है. ठीक है, बिकॉज जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट पी एच इंडिकेटर गिव्स यू अ कलर चेंज, कि आपको कलर चेंज देता है. कलर चेंज का मतलब यू विल डिटर्मिन कि आपका क्या कलर है बेस्ड अपॉन योर आपकी एक सेंस है, दैट इज योर सेंस ऑफ विजन. सेंस ऑफ विजन इज बेसिकली यूटिलाइज टू फाइंड आउट कि आपकी क्या कलर चेंज हुई है. सेंस ऑफ विजन विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. हर इंडिविजुअल की द सेंस विल वेरी एंड दैट विल वेरी कि आपके रिजल्ट्स आप कैसे कंप्यूट कर रहे हो. ठीक है, आपका इंडिकेटर आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, दैट विल गवर्न कि वो क्या पीएच क्या कलर देता है. ठीक है बच्चे, एट पीकेए योर इंडिकेटर इज प्रेजेंट एट 50-50 रेशो, वो 50-50 रेशो में प्रेजेंट होता है. इस पीकेए के 1.5 नीचे एंड 1.5 पीएच ऊपर आपका इंडिकेटर वर्क करेगा. लेट्स अज्यूम द पीकेए ऑफ योर फिनोफ्थेलिन इज 9.4. अगर मेरे फिनोफ्थेलिन की पीकेए 9.4 है, दैट मींस माय फिनोफ्थेलिन कैन वर्क बिटवीन 8.3 to 10. ठीक है, मेरी फिनोफ्थेलिन 8.3 to 10 अगर मैं ब्रॉडली वेगली बताऊँ तो इस रेंज में वर्क कर लेगी. इसके नीचे और इसके ऊपर माय फिनोफ्थेलिन विल नॉट वर्क, क्योंकि वो कोई कलर चेंज नहीं शो करेगी. अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नैरो रेंज के इंडिकेटर्स को अगर मैं मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन बना दूं, अब जो मेरा मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होगा वो मेरा ब्रॉडर रेंज में वर्क करेगा, दैट विल कॉल अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मेरे मिक्स्ड होंगे, विच गिव डिफरेंट कलर शेड्स एज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन वेरी. क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट रेंज को कवर करते हैं, तो जैसे जैसे मेरी पीएच चेंज होगी, मेरी शेड जो कलर्स के शेड है वो चेंज होते रहेंगे.
इससे मैं ब्रॉडर रेंज ऑफ पीएच को कवर कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फिनोफ्थलिन. अलॉन्ग विद फिनोफ्थलिन इफ आई एड दीज फोर टू, तो यू कैन सी मेरी इनिशियली फिनोफ्थलिन की रेंज फ्रॉम 8.3 टू 10 थी. नाउ माई रेंज इज फ्रॉम 3 टू 10. 3 से 4.4 मेरा ये वाला इंडिकेटर वर्क करके इस तरह का कलर शो कर देगा. 4 टू 6.2 इस तरह की चेंज आएगी, ये इंडिकेटर वर्क करेगा जो उस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है. देन 6 टू 7.6 इस तरह की, नेक्स्ट इस तरह की. सो यू आर कवरिंग अ ब्रॉडर रेंज ओवर हियर, ठीक है, सिंपली बाय मिक्सिंग ऑल दिस. तो हर बार एक इंडिकेटर को टेस्ट करूं एक अननोन सैंपल की पीएच को मेजर करने के लिए, उससे बेटर है मैं इनका मिक्सचर बनाऊं और उस मिक्सचर को ऐड करूं. नाउ दिस मिक्सचर हैज अ ब्रॉडर रेंज. तो इस तरह के इंडिकेटर्स को हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स.